क्या चाचिका, यहाँ अभी जो स्थिति बना हुआ है, क्या आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग का, मान लीजिए कि 72 साल से दादा परदादा सब इसमें गुजर किए, जो भी किए, और अभी अभी आए मट्टी चेक करने के बाद वहाँ आए दागी मारने सीओ से हमने बोले कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, हम लोग का भगा रहे हैं, तो सीओ बोल रहे हैं कि नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वो करने दीजिए, आप नहीं ये बनने दीजिएगा, नहीं दागी मारने दीजिएगा, तो प्रशासन के साथ हम लोग आकर हमलाबाजी करेंगे, डंडा खाएंगे, तो खुद पब्लिक भागेंगे, ऐसे कर करके सीओ बोला। और सीआई दूसरे दिन आया तो सीआई बोल रहा है कि 1 कट्ठा जमीन है 2 कट्ठा जमीन है तो ये ठीका लिया है, राज्यपाल के खाते में है जमीन, तो ठीक है राज्यपाल के खाते में है, तो राज्यपाल हम लोग का क्यों नहीं सूचना दिए, सब तो राज्यपाल का खाता में है, हर कुछ तो सरकार ही दे रहा है, आखिर हम लोग कहाँ जाए? मान लीजिए कि कोई का 4 बेटा कोई का 2 बेटा है, तो हम लोग कहाँ जाए? इसका कभी नोटिस आप लोग का मिला, सूचना मिला? नहीं मिला है। हम गए, हम मेराल भी गए, वहाँ सीओ जहाँ बैठते हैं वहाँ पर, वो बोले कि नहीं विद्यालय बनने से क्या दिक्कत है, बच्चे शिक्षित होंगे, तो हम उसी में बोले कि शिक्षित जब माए बाप नहीं रहेगा, घर टूट जाएगा, तो हम लोग का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, तो बोल रहा है कि नहीं वो बात तो है, तो क्यों हम लोग का आखिर लिखित नहीं दिए, सूचना नहीं दिए, पेपर मांगे, पेपर सीओ मांगे, पेपर मांगने के बाद यहाँ चटनिया मोड़ पर खड़े थे, उसके बाद सीओ वहाँ से भाग गए, मेरा नाम भी पूछे क्या नाम है, हम अपना नाम भी बताए कि मेरा नाम है दिकनी देवी, तो बोले कि ठीक है आप तो झगड़ा कर रही है, तो हम यही बात बोले कि ठीक है हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मेरा बोलिए ऐसा है हम लोग कहाँ जाएँ आप बताइए, पहले आप दरी जो मार रहे हैं नेव खोदिएगा, तो हम वहाँ जमीन में हम सो जाएंगे, हमको आप भर दीजिएगा, हम यही बात बोलकर तो उसी में हम इधर हो गए, बस सीओ चले गए। हालांकि हम आपको बता दें और चैनल के माध्यम से आप लोग देख भी रहे होंगे, लगभग गढ़वा जिला के लगभग 40 से 50 विद्यालय में हम लोग जरूर गए होंगे और वहां की स्थिति हम दिखाए थे, क्योंकि आज जो विद्यालय बन रहा है यहां पर लोगों का रहना खाना पीना सारा चीज़, यहां पर पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ होगा, लेकिन जिस विद्यालय में हम लोग जा रहे हैं वो विद्यालय की स्थिति जो है दयनीय स्थिति है, कहीं आपको लेटरिन रूम नहीं मिलेगा, तो शिक्षक लोगों का बैठने का जगह नहीं है, स्टूडेंट का बैठने का सही जगह नहीं है, पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, कम से कम पहले उसको सही किया जाता, उसको दुरुस्त किया जाता, तब नया बिल्डिंग बनाने की बात आती, नया भवन बनता, नया विद्यालय बनता, जो पड़ा हुआ है अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार, और नए नए जो है स्कीम लाकर नए नए विद्यालय बनाकर कहीं ना कहीं ऐसे गरीब लोगों का सिर्फ परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जिस विद्यालय में हम लोग गए उस विद्यालय सिर्फ और सिर्फ खंडहर के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है, न सही से स्टूडेंट का बैठने का जगह है, न किसी चीज़ का व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रशासन जो है या शिक्षक कह लिया जाए कहीं ना कहीं उन लोग बैठकर टाइम पास करते हैं, कुछ समाजसेवी हैं, जैसा कि बहुत सारे विद्यालय हैं जिसका स्थिति बद से बदतर है, आपके भी पंचायत में होगा, बच्चे लोगों का पढ़ाई नहीं हो रहा होगा, स्कूल का जो टीचर है वो सही पर जाते नहीं होंगे, फिर भी विद्यालय बन रहा है, क्या इसका है? कम से कम पहले वो सुधार करना चाहिए कि ये जरूर पहले वो सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना पहले चाहिए, वो सुधार होना चाहिए जहाँ पे बच्चे लोग का बैठने का व्यवस्था नहीं है, टाइम से शिक्षक लोग नहीं जा रहे हैं, टाइम से हर चीज़ नहीं हो पा रहा है, वो पहले होना चाहिए। क्या लग रहा है अगर ये बन भी जाता है विद्यालय तो क्या गारंटी है जी ये भी विद्यालय सक्सेसफुल होगा, कहीं ना कहीं उसी टाइप से भी खंडर बन सकता है? बन सकता है, बाकी लोग बेघर हो जाएंगे, इतने लोग बेघर हो जाएंगे, स्कूल बन जाएगा, बाकी लोग कमाएंगे, इसमें मजा तो लेगा जो काम करेगा, जो ठेकेदार है, करोड़ों का उसका रहेगा, करोड़ों का काम होगा उसका, नीचे से ऊपर तक अधिकारी है, नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं कमीशन मिलेगा, अब यही कमीशन के लिए विद्यालय को बनाया जा रहा है जी। अगर इसमें सच्चाई है, झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो जी, आपको भी पता होगा जो झारखंड में शिक्षा के व्यवस्था कितना है, अगर देखा जाए तो सबसे नीचा स्तर पर है, अगर विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा अगर प्राइवेट ट्यूशन नहीं करते, प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं आपका शिक्षा व्यवस्था जो झारखंड में हमको नहीं लग रहा है जो 0.001% भी होगा, 100% वो 0% हो जाता, लेकिन यही एक झारखंड में अगर देख लिया जाए तो ट्यूशन जो है प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट स्कूल की वजह से आज झारखंड में जो है शिक्षा व्यवस्था कुछ सुधरा है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा की एक मार है, ऐसी व्यवस्था जो है पहले ठीक कर लिया जाए, इसके बाद नया स्कीम नया विद्यालय बनाने की बारी है। हालांकि और क्या है
क्या आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यहाँ तक लोग कह रहे हैं जब हम बनाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन है तो छोड़ कर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा है तो वहीं चल जाते हैं। हेमंत सोरेन जो है उन्हीं का घर में जाके सब रहते हैं। उन्हीं घर में हम लोग जाएंगे। देखो टेम्पू बुक कर लीजिए और उन्हीं का घर में रहिए। जमार जमीन है अब उजड़िए दिए तो हम लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं आपका नहीं है सरकारी जमीन है तो हम सरकारी तो सब कोई है तो कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग को उपाय दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर? एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन है हम लोग का। फिर भी हम लोग आदिवासी, हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी हेमंत सोरेन बोले थे कि नहीं जिसका आदिवासी को नहीं उजाड़ा जाएगा, नहीं उजाड़ा जाएगा। जिनका 10 साल कब्जा है उनका किसी हर हालत में नहीं उजरा जाएगा। और आज क्यों हेमंत सोरेन कर रहा है, मिथिले ठाकुर क्यों कर रहा है ऐसे? घर दे रहे हैं हम लोग का उजाड़ने का बसाने का काम करते। तब आपका मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी है ना, तो इसीलिए ना हम लोग का उजाड़ रहे हैं। उन्हीं लोग का उन्हीं को घर जाएंगे। लोहा लोहे का काटता है तो हम लोग नहीं उजरेंगे। हम लोग का पहले जहर फैला कर हम लोग का धरती के अंदर गाड़ देंगे, उसके बाद यहाँ बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। हम लोग एक दो आदमी नहीं है, यहाँ पूरा देख रहे हैं कि हजारों हजार आदमी है। ये पूरा है, अच्छा ये इंदिरावास बन रहा है। अच्छा एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, अगर ये इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास अगर बन रहा है तो कहीं न कहीं ये प्राइवेट जमीन है, क्योंकि इंदिरा आवास जो है सरकारी जमीन में नहीं बनता है। अगर ये जो है सरकार मान रही है जो हमारी घर है, हम प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट घर जो है ये प्राइवेट ही जमीन में बनता है, कोई सरकारी जमीन में या फिर फॉरेस्ट विभाग में पीएम आवास जो है प्रधानमंत्री आवास नहीं बनता है। ये हालांकि इसका रूल है। अच्छा कुछ और लोग हैं इधर, सुनिए। हाँ सीआई जो आए थे हमारे घर पर, सीआई बोले कि हम सबको सूचना कर रहे हैं कि अपना अपना मतलब वहाँ से हट जाए। तो हम बोले कि कैसे हट जाए हम लोग? तो नहीं, अभी नया बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लिंथ कर रहे हैं, आप लोग का पता नहीं था? तो उसी में हम बोले कि हमको क्यों नहीं सूचना आप दिए? अभी तो आए हैं यहाँ भागने के लिए कहने, लेकिन आखिर तो सूचना हमको क्यों नहीं दिए? तो बोल रहा है कि नहीं, तो हम अभी कहे हैं कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, विद्यालय बनेगा तो बनेगा। सीआई आकर बोला, हमारा दरवाजा पर बोला, पहले भी बन चुका है, दरवाजा पर आके बोला सीआई। और सीआई वैसे बोलकर हम कहने लगे कि हम लोग का किसी हर हालत में नहीं बनने देंगे यहाँ विद्यालय। खाली जगह है वहाँ, धुआं पहाड़ के नीचे, वहाँ परती जमीन है, उसमें पैदा भी नहीं हो रहा है, वहाँ जाकर आप बनाइए। कहा ये किसानी लोग नहीं है, पब्लिक नहीं है, वहाँ पर ही बनाइए। तो सीआई भी ऐसे आकर ऐसे नहीं बनने दीजिएगा, तो हम लोग प्रशासन के साथ आकर जार भांगा लाएंगे, प्रशासन डंडा खिलवाएंगे, ऐसे करेंगे। प्रशासन लोगों को धमकी देते हैं, धमकी दिए सीआई, धमकी देकर गए हैं। तो ही हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जाए कहाँ? हम लोग का अभी तक मंत्री भी नहीं आए, मिथिलेश ठाकुर भी नहीं आए, हम लोग का सूचना भी नहीं दिए, वो खाली ठेकेदारी पे तो पंडाल पंडाल तो घूम रहे हैं ना, चंदा वंदा तो दे रहे हैं। तो चंदा वंदा देने से क्या होगा? हम लोग तो त्योहार में एक ठो साड़ी देकर हम लोग का जजात लूट रहे हैं, साड़ी एक ठो देकर और जजात लूट रहे हैं। दुर्गा माँ से जब आशीर्वाद ले ही ले रहे हैं तो आपके पास आने की क्या जरूरत है? पब्लिक नहीं रहेंगे तो दुर्गा माँ साथ दे देंगे उनको, पब्लिक को उजारा जा रहा है तो कहाँ जाए? आज तक आप लोग का दुख तकलीफ सुनने का भी नहीं आया? नहीं आए, नहीं आए। अब हम लोग का मुखिया भी वैसी है, मुखिया भी अभी तक क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मुखिया जी हम लोग का मुखिया जी भी नहीं आ रहे हैं, मुखिया जी भी वो लोग हम नहीं थे। तो मुखिया जी लोग आप ही लोग ने जीता है? हाँ तो नहीं, वो जीता है मिथिलेश ठाकुर का आदमी। अच्छा मिथिलेश ठाकुर का आदमी इसमें, और चमचा दो चार आदमी, 10 आदमी यहाँ का चमचा लोग भी हैं, मुखिया भी हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भी कमाए, यही बात है हमारा। अच्छा, कहना मैंने ये विद्यालय बनेगा तो इसमें मुखिया जी भी कमाएंगे? हाँ वो भी कमाएंगे, तभी तो अब कह रहे हैं कि घर हमको क्यों घेरे? हाँ हमारा रहते हुए नहीं आ रहे हैं, और यहाँ हम नहीं थे, वो रांची थे जब मुखिया के मीटिंग था, तो बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं थे तो घर घेरे थे, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे बोलते हैं, पब्लिक चल जाएंगे तो वो बच जाएंगे, पब्लिक नहीं चाह रहे हैं हम लोग, उनको सब पब्लिक मिलकर उठाया गया। तो मुखिया जी आप लोग का विरोध में है? विरोध में है। क्या कहते हैं वो? हम लोग से भेंटे नहीं कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर का यहाँ आया, मिथिलेश ठाकुर का आया यहाँ, यहाँ आयल था उनको चमचा लोग, यहाँ पचफेड़ी मोड़ पर बैठक किए। बैठक करने के बाद सब मुखिया को उनको हो गया फुर्सत कि हम जाकर वहाँ हम सामने बैठे, और हम लोग बुलाए तो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मेराल हैं, तो पंचायत में हैं, तो बैठक में हैं, ऐसे करके मुखिया भी बोलते हैं। मैंने नेता जी लोग बुला रहे हैं तो उसके पास टाइम है? जनता बुला रही है तो टाइम नहीं है? नहीं है। वाह रे मुखिया जी,
यही जनता है, यही ग्रामीण लोग जो हैं आपको जिताए हैं, और एक जो है एक जमीन पर बैठे हुए थे उठाकर जो है आपको गद्दी पर बैठा लिया। मुखिया जी, इन लोगों का कम से कम सुनिए। नेता लोगों का पीछे तो जिंदगी भर आदमी बीत जाता है, कहीं ना कहीं यही जो है आपका भविष्य है क्या? तो यही तो है। मान लीजिए मुखिया जी को ऐसे मंत्री के पास जाने के लिए समय मिल रहा है, पब्लिक को पास जाने के लिए नहीं समय मिल रहा है, ये भी हड़का रहे हैं। खुर्शीद नाम के हैं पंचायत समिति, उनको भी हड़का रहे हैं कि आप पब्लिक के साथ कितना देते हैं। तो नहीं देंगे, सब उसी हैं, दुश्मने हैं। पब्लिक इनको जिताए तभी तो जीते हैं, इनको भी हड़काते हैं। हड़काने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक एक तरफ हो जाएंगे तो अभी भी वो भीतर जा सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, ये वीडियो जो बन रहा है उच्च अधिकारी लोग भी देखेंगे, शायद अगर कोई सूचना दे दिया तो माननीय मंत्री भी देखेंगे, लेकिन ये वीडियो का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आदिवासी लोग हैं, इन लोगों का कौन सुनने वाला है? ना अधिकारी सुनेंगे, ना नेता सुनेंगे, ना यहाँ के स्थानीय जो मुखिया है उन लोगों का सुनेंगे। लेकिन वीडियो मेरा बनाने का मकसद अधिकारी लोगों का सुनाने का नहीं है, कम से कम यहाँ के जो लोग हैं जो इस वीडियो का देख रहे हैं, कम से कम उनको सच्चाई इस बात को पता चले जी यहाँ की सरकार जो है, यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये गरीब असहाय लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। कम से कम ये सच्चाई के लिए हम लोग जो हैं ये आज कोभर कर रहे हैं, ये उच्च अधिकारी लोगों का या नेता लोगों का नहीं। अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना रहता तो आज हम लोगों का ये वीडियो या यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी इसका जो है निर्णय ले लेते, और जो आज यहाँ पर जो उजड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं अलग भी बसाने का काम करते। लेकिन ये सच्चाई जो है यहाँ के गढ़वा वासियों को, झारखंड वासियों को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं जी यहाँ की सरकार जो है कैसे लोगों का और उजाड़ने का यहाँ से काम कर रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, गढ़वा।